वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में। करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं और हमारे ही मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको इंडेक्स व्यू देखना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फ्री लर्निंग ट्रेड और आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्टॉक्स मिल जाएंगे जब अच्छे लेवल्स पर होते हैं। फिलहाल अगर हम करेंट लेवल पर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी सेलिंग के लिए दिया हुआ है करीब 560 के समथिंग से। बहुत क्लियरली मैंने कहा था कि जब तक इसका ब्रेकआउट ना आए, जो कि करीब 575-580 का लेवल है, तब तक बाइंग के लिए मत प्लान करिएगा। देन वहां से सेलिंग आता है, फिर एक रिकवरी आता है। जब ये रिकवरी आया था तब काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था कि वीकली हाई पर क्लोज हुआ है, अब तो यहाँ से 700 जाएगा, 800 जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके के कमेंट मैंने उस दिन आपको वीडियो बनाकर दिया जब ये टॉप पर ही था, इसी दिन जब क्लोज किया था ये ग्रीन वाला कैंडल, कि यहाँ पर अगर आपको बाइंग करना है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 2% का ही डिफरेंस है ये, तो 2% कवर कर जाने दो, देन बाइंग के लिए प्लान कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, राइट? वैसे तो 2-3% कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 2-3% बहुत हो सकता है, तो ये वेट कर लो। अगर ब्रेकआउट आ जाए तो बाइंग के लिए प्लान कर लेना। हो सकता है कि 2 दिन के अंदर पूरा सेलिंग के लिए चला जाए और लो कवर कर दे, फिर आप क्या करने वाले हो अगर उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो। सेम चीज हुआ, 2 दिन के अंदर पूरा कवर हो गया और फिर वहां पर होल्ड करने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने आपको तब भी वीडियो दिया था। अभी जब बाउंस आया मैंने तब भी वीडियो आपको दिया है कि सिर्फ बाउंस है, बाउंस में ट्रैप मत होना। पहले भी कहा था, पहले ही अपडेट कर दिया था कि इस रेंज में मार्केट आपको वोलेटाइल साइडवेज दिख सकता है, तो ट्रैप मत होना। हो सकता है एक दिन के अंदर 10% का भी कैंडल बना दे, 5% का कैंडल बना दे, तो उसमें ट्रैप मत होना, क्योंकि इन द एंड वो फिर वहीं पर होल्ड करता हुआ रह जाएगा, जैसे आपको यहां पर दिख रहा था। क्या हुआ, एक दिन बड़ा मोमेंटम आया, फिर 1-2% करके ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेकर आज डायरेक्टली 8% से डाउन है, और ये चीज होने वाला है। हो सकता है कल के दिन में आपको, हो सकता है 2% का मोमेंटम दे और फिर उसके बाद डायरेक्टली 10% का रिकवरी दे दे, बट 10% रिकवर करने के बाद भी इस 10% के बराबर नहीं आ पाएगा, ये चीज याद रखिएगा। और सेम टाइम में स्टॉक इस लेवल पर साइडवेज वोलेटाइल जाने वाला है, पहले से अपडेट किया है, अभी भी सेम चीज है। इसका बॉटम रेंज आप मार्क करके चलो 440 का, अभी क्योंकि टॉप रेंज में ट्रेड कर रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है बॉटम रेंज में भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखे, ठीक है? तो फिलहाल इसका आप जो मेजर ब्रेकडाउन आने वाला है वो 430 के लेवल पर है, इसका लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तब आपको फिर शार्प सेलिंग दिखने वाला है। बाकी फिलहाल इस रेंज में स्टॉक वोलेटाइल साइडवेज जाएगा, तो बाइंग के लिए प्लान मत करना जब तक कि प्रॉपर। अब अगर आपको बाइंग करना है तो ट्राई करिएगा 540 के ऊपर, कोई प्राइजेक्शन अगर बना देता है तो बाय करना, सेफ ट्रेडर्स अभी भी 580 के ऊपर प्लान कर सकते हैं। बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।